तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम जानकारी देने वाले हैं कि जो मेरिट लिस्ट आई है कल नाइट में, लगभग यहाँ पर युवा इंटर्नशिप की जो मेरिट लिस्ट आई है लगभग, उसमें आपने अपना नाम चेक कर लिया होगा, ठीक है। बहुत से युवाओं का कमेंट आ रहा है कि सर हमारा नाम नहीं है, हम क्या करें, हम रिपोर्ट कर दें क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपको इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि आपका नाम यहाँ पर क्यों नहीं आया, ठीक है। आपका नाम क्यों नहीं आया, उसमें कुछ रीज़न है उसके कारण आपका नाम नहीं आया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या रीजन हो सकते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको युवा इंटर्नशिप से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट मिल सके, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आने के ना आने के कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपने जो फॉर्म भरा उसमें जो टर्म एंड कंडीशन दी गई थी, कि जैसे कि पहले टर्म एंड कंडीशन क्या थी कि यूजी पीजी आपके पिछले 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2020 से लेकर 2022 के बीच में यूजी पीजी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपकी कंप्लीट नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सकता। दूसरी बात हो जाएगी कि जो आपकी एज दी गई थी, ठीक है, एज 18 से 29 साल के लिए दी गई थी, तो परंतु इससे अगर पहले आपकी डॉक्यूमेंट एज तो आपको ज़्यादा अपना लिमिट प्रिंट क्रॉस कर गई ले या जाना है, ठीक है, अपना एज प्रिंट कम है लेकर ही या जाना लिमिट है। क्रॉस कर गई, उसकी वजह से आपको मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है। ठीक है, मेरी लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, ठीक। और यहाँ पर 60% से ज़्यादा हैं आपके, 60% से ज़्यादा तो हैं, पर आपने पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर कॉलेज कंप्लीट नहीं किया। मान लो आपने 19-20 में कॉलेज 18 या 19 में कॉलेज कंप्लीट किया, तो ये आपका नाम यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर सभी सही है, पूरा फॉर्म सही है, पिछले 2 साल में भी हमने कॉलेज कंप्लीट किया, 60% से ज़्यादा है, फिर भी नाम नहीं है, ठीक है। आपने नाम में कोई गलती कर दी होगी, ठीक है, नाम में गलती। एक भाई ने यहाँ पर कमेंट किया कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट गलत सिलेक्ट हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से आपने कोई ना कोई गलती यहाँ पर ज़रूर की होगी, ठीक है। उसका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हुआ, उससे उसका नाम तो आ गया, ठीक है, उसका नाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गया, पर उसका फॉर्म यहाँ पर कैंसिल होने के चांस है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं वो क्या बताता है हमें, पर यहाँ पर 60% से कम वालों के नाम आ गए, ठीक है। 60% से कम वालों के नाम इसलिए आ गए हैं क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को पूरा फॉलो किया, ठीक है, उनकी एज 18 से लेकर 29 साल के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने पिछले 2 साल में यहाँ पर कंप्लीट किया। और मेन बात ये हो गई कि जो आपके विकासखंड में हैं, विकासखंड में आपको जो 15 युवाओं को सिलेक्ट करना है उन्हें, तो उसमें 60% से ऊपर वाले होंगे ही नहीं, ठीक है। कहीं का 50 का है, कहीं का 65 का है, ठीक है। 65 वाला है उसका सिलेक्ट कर लिया, 50 से वाले कम, उनको तो टोटल मिला के यहाँ पर 15 युवाओं को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक विकासखंड में 15 युवाओं को सिलेक्ट करना है। अब वो 60% वाले हों या 50% वाले हों 70% वाले हों, ठीक है, उनको कुल मिला के यहाँ पर 60% मतलब 15 बच्चों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करें, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप कंप्लेंट भी करोगे तो कहाँ करोगे, ठीक है, कंप्लेंट भी करोगे तो आप उसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ठीक है उन्होंने जो मेरिट लिस्ट बनाई है वो उसकी टर्म एंड कंडीशन जो पूरा फॉलो करते हैं, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन पूरा फॉलो करते हैं उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनी गई है, ठीक है। मैंने आपको कितने वीडियो में बताया है, जो सबसे पहले वीडियो अपलोड किया था पूरी टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया था, आपने उसको वीडियो को देखा ही नहीं, बस इतना देखा कि फॉर्म भरा रहे हैं, कैसा भरना है, ठीक है, फटाक से भर दिया। टर्म एंड कंडीशन को अगर आप वीडियो को देख लेते, यहाँ पर पूरी स्टेप बाय स्टेप उसे करते, तो यहाँ पर हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता, ठीक है। जिसने वीडियो को पूरा देखा है, पूरी मुझसे जानकारी ली है, ठीक है, 2 से 3 बार मुझसे जानकारी ली, सर ये आ रहा है, पूरी एक एक बात मुझसे पूछी, उनके यहाँ पर 100% उनका नाम आया है, ठीक है। मैं बता दूँ कि जिसने मुझसे एक एक यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन की जानकारी लिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मुझसे जानकारी मांगी, उसका 100% यहाँ पर नाम आया है, ठीक है। मुझे उन्होंने मैसेज भी कराया कि सर हमारा नाम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। वो जिसने केवल इतना देखा है कि फॉर्म भराने लगे युवा इंटर्नशिप के, ठीक है, और यहाँ पर कैसा भरा रहे हैं, साइट क्या है, खट से जाके फॉर्म भर दिया, ठीक है, और यहाँ पर अपलोड सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन नंबर आ गया, ठीक है, और खुश होने लगे कि हमारा अब मेरिट लिस्ट का हम इंतजार करते हैं, ठीक है, तो आपका कहाँ से नाम आएगा। आपकी इसी गलती की वजह से आपका नाम नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें क्या सवाल पूछेंगे, ठीक है, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछेंगे। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में से नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।